आज फिर मैं यहाँ पर आपके सामने हाजिर हूँ अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर। पहले भी मैंने सर्दियों में बनाई थी और अभी भी मैंने सर्दियों में बनाई है। अच्छा, सर्दियों में बनाने की वजह क्या है? वजह यह है कि आप लोगों से डबल जो है मैं वॉशिंग मशीन का यूज़ करती हूँ, बिल में भी उतना ही फ़र्क पड़ता है। आप यूनिट्स देख सकते हैं कि कितने मैंने यूनिट्स जो है वो यूज़ किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज हैपन, मेरा घर मेरी जन्नत में। आप सबको खुश आमदी। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे लाइक किया, कमेंट किया, सब्सक्राइब किया। आप मुझे पसंद करें, लाइक करें, यह आपके कमेंट से मुझे पता लगता रहता है। इसके अलावा व्यूअर्स, आज जो है वीडियो बहुत ज़्यादा फरमाइश पर है। बहुत ज़्यादा व्यूअर्स जो है वो कंप्लेन कर रहे थे बिजली की इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर। ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेती है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेने की वजह से बहुत सारे व्यूअर्स को ये प्रॉब्लम है कि वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन परचेज़ नहीं करना चाहते, या जो परचेज़ कर चुके हैं वो कहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आता है। व्यूअर्स, इससे पहले भी मैं एक इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको कंप्लीट अपना बिल दिखाया था। इसके अलावा आज फिर मैं यहाँ पर आपके सामने हाजिर हूँ अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर। अच्छा, मैंने गर्मियों में बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई है। पहले भी मैंने सर्दियों में बनाई थी और अभी भी मैंने सर्दियों में बनाई है। अच्छा, सर्दियों में बनाने की वजह क्या है? वजह यह है कि गर्मियों में आपके घरों में फ़ैन्स होते हैं, एसी ऑन होते हैं, इसकी वजह से भी जो है बिल बहुत ज़्यादा आता है। जबकि सर्दियों में व्यूअर्स, आपके फ़ैन्स ऑफ होते हैं और आपका जो है एयर कंडीशन ऑन ऑफ होता है, जिसकी वजह से भी बिल पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो व्यूअर्स, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो मेन पार्ट है उस पर मैं डिस्कस करूँगी। उसमें आपको बताऊँगी कि कितने यूनिट खर्च होते हैं, तो उस पर बिल जितना आता है वो तो उस हिसाब से यूनिट खर्च होने पर है। लेकिन मैं मेन जो मेरा फोकस होगा वो यूनिट्स पर होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा जो चैनल है वो लास्ट ईयर ही जो है वो ऑन ईयर हुआ है, और तब से मेरी जो वीडियोस हैं वो दिसंबर से, आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिसंबर से मैंने वीडियोस बनाना शुरू की है जस्ट वॉशिंग मशीन पर, और जस्ट वॉशिंग मशीन पर ही मेरी वीडियोस बनी हैं चैनल पर, और वॉशिंग मशीन की मैं वीडियोस बनाती रही हूँ। मेरा काम चूँकि आप सबसे डबल होता है, मैंने आम कपड़े नहीं धोने होते, घर के कपड़े धोने के साथ साथ मैंने वीडियोज़ के लिए भी वॉशिंग करनी होती है, और साथ के साथ मैं करती रहती हूँ। और आप समझें कि आप लोगों से डबल जो है मैं वॉशिंग मशीन का यूज़ करती हूँ, और वॉशिंग मशीन का यूज़ भी ज़्यादा करती हूँ, उसकी वजह से वॉशिंग मशीन ज़्यादा यूज़ होती है और वीडियोस के लिए भी, और इसके अलावा जो है बिल में भी उतना ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने कहा कि नहीं, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा है, हमने जिस महीने वॉशिंग मशीन ली है उसी महीने जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा बिल आया है, ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ हो। फ्रंट लोड का मैं नहीं कह सकती, मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो टॉप लोड की है। टॉप लोड के हवाले से मैंने हमेशा पहले भी टॉप लोड यूज़ की है और अब भी, और बिल मैं आपके सामने रखती हूँ। और फ्रंट लोड का मैं नहीं कह सकती कि फ्रंट लोड ज़्यादा हो वो बिल इलेक्ट्रिसिटी लेती है, मुझे इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है क्योंकि मैंने वो यूज़ नहीं की। तो अब मैं जो है आपको टॉप लोड के हवाले से बताती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो बिल है वो अक्टूबर 20 यानी कि 2020 का लेकर मेरे पास सितंबर 2020-21 तक का मौजूद है, और इसमें आप यूनिट प्राइस भी, आप यूनिट्स देख सकते हैं कि कितने मैंने यूनिट्स जो है वो यूज़ किए हैं। अक्टूबर में मैंने 20 में मैंने किए हैं 306 यूनिट, जस्ट 306 यूनिट। चलें आप कहते हैं कि उस दौरान मैंने जो है वो यूज़ नहीं की, लेकिन आप चले आए दिसंबर में आए 2020 दिसंबर में मेरे कितने यूनिट्स यूज़ हुए हैं, जस्ट 178। इसके अलावा जो मैंने अपनी टब क्लीनिंग की वीडियो बनाई थी, तब भी मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल का बनाया था, तब था फरवरी 2021, और उसके मेरे कितने यूनिट्स खर्च हुए थे, जस्ट 217 यूनिट्स। इसमें सारी रात जो है टब क्लीनिंग में वॉशिंग मशीन चली थी, और फरवरी मार्च में तो मैंने सबसे ज़्यादा जो है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का यूज़ किया था, और बहुत ज़्यादा मैंने उसमें वीडियोज़ बनाई थी। उस दौरान बहुत ज़्यादा मैंने अपलोडिंग की थी मेरे चैनल पर, और वो है फरवरी 2021 और मार्च 2021, और इन दोनों के क्या यूनिट्स हैं आप यकीन करें, फरवरी के मेरे हैं 217 जबकि मेरे मार्च के हैं 199। अब आप उससे अंदाज़ा लगा लें, मेरे पास ओवन भी है, टीवी भी ऑन होता है, और इसके साथ बहुत सारे जो इलेक्ट्रिसिटी वाले आइटम्स होते हैं वो सब मेरे पास हैं, जूसर, ब्लेंडर, हर चीज़, तो वो सब भी यूज़ होती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ही यूज़ हो, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि मेरे कम जो है यूनिट्स यूज़ हुए हैं, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब यूनिट कम होते हैं तो बिल भी उसके हिसाब से आता है। और आप गर्मियाँ देख लें, गर्मियाँ मई 2021 से आप स्टार्ट कर लें, और वहाँ से 207, 386,
417 और सबसे ज़्यादा यूनिट जो है वो अगस्त 2021 में यूज़ हुए हैं 551 यूनिट्स। और गर्मियों का था वो अगस्त का महीना कुछ ज़्यादा ही वो होता है, गर्म होता है और कुछ चिपचिपा सा होता है क्योंकि सावन का महीना लग चुका होता है, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। तो उसके हवाले से आप देखें कि इस हिसाब से मेरा जो बिल है वो आपके सामने, यूनिट कितने कम जो है यूज़ हुए हैं, गर्मियों की वजह से ज़्यादा यूज़ हुए हैं और बाकी जो सर्दियों के महीने हैं आप उसमें ईजीली देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा यूज़ नहीं हुए। कपड़े गर्मियों के हों चाहे सर्दियों के, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन उसी तरीके से यूज़ होती है। वॉशिंग मशीन में उतने ही कपड़े धुलते हैं बल्कि सर्दियों के कपड़े ज़्यादा होते हैं, उसमें स्वेटर वूलन कपड़े अलग होते हैं और नॉर्मली यूज़ के पहनने के कपड़े आपके अलग होते हैं। तो जैसे कि आपने मेरा बिल देखा कि मैंने इसमें आपको बताया कि कितना इसमें मैंने यूज़ किया यूनिट, आप मेन जो फोकस है आप यूनिट पे रखें कि कितने कम यूनिट मेरे यूज़ हुए थे। इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं चैनल पर अपलोडिंग कर रही हूँ और साथ में कपड़े भी धो रही हूँ, मेरे इतने यूनिट यूज़ नहीं हुए तो आपके कितने हो सकते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप पूरे महीने भी जो है वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं तो आपकी 100 यूनिट भी नहीं यूज़ हो रहे, आपकी मुश्किल से 40 या 50 यूनिट्स जो है वो यूज़ कर रही है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पूरे मंथ में। तो 40 टू 50 यूनिट्स जो है कि वो इतने ज़्यादा हैं कि वो आपके बिल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करें। मैं इससे पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के जो है सेविंग कर सकते हैं, कब आपने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने, वो सब आप मेरी वीडियो पर जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक आप ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यूनिट्स भी मैंने बता दिए, आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। उन लोगों के लिए जो न्यू ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन परचेज़ करना चाहते हैं और वो इस बात को लेकर वरीड हैं कि मे बी बहुत ज़्यादा बिल आए अगर आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन परचेज़ करते हैं तो, और जिन्होंने ले ली है और वो समझते हैं कि अगर उनका बिल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज़ करने से ज़्यादा है तो आई थिंक सो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है और अपना बिल जो है लेकर आपको दिखाया है कि मेरे कितने यूनिट्स यूज़ हुए हैं इन पूरे ईयर में। इस वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।